यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। तम दर्शक वाले हैं जी टीफर्स। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड देखा होगा, तो अगर आप लोगों को तो पता होगा कि सर अपन लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट के मेरे पास खुले थी। अब अगर वो जो बंदा मुझसे ये बोल रहा था कि सर अभी जो ना कुछ टेररिस्ट वाले ने आर्मी के बंदों को पकड़ लिया है, मतलब अगर लॉस सैंटोस के सोल्जर्स को, और अगर वो मेरे को जाना है और छुड़ा के लेके आना है, इसलिए अगर मैं जो ना लेसर की टॉप सीक्रेट कार को लेकर था। अब गजर वो जो गाड़ी है ना, वो गजर कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं थी, मतलब वो उड़ भी सकती थी और साथ के साथ गजर उसके अंदर मिसाइल्स भी थी। तो गजर उस गाड़ी को लेकर जाने के बाद मैंने वो जो बंदे हैं, मतलब आर्मी के सोल्जर्स हैं, उनको रेस्क्यू कर दिया था। और गाइस क्या ही मैंने टेररिस्टों के बेस में जाकर उनको भूत बनाया था, मजा ही आ गया था, वो तो अलग बात है। और गाइस वो जो गाड़ी है वो मैंने लेसर के पास दोबारा से ले आया, खड़ी कर दी, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भाई अभी आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, ये जो गाड़ी है भाई मेरी नहीं है। कभी आप लोग सोचो मेरी गाड़ी है, ये भाई यहाँ पर ही मेरे को खड़ी मिली थी। और अब आप लोगों को पता होगा भाई अपने पास अब पैसों की बहुत कमी आ चुकी है। अपना जो शोरूम है ना, वो भी भाई एक तरीके से ढीला पड़ चुका है, कुछ काम ही नहीं कर रहा है, मतलब चल ही नहीं रहा है। एक तरीके से कस्टमर्स आते हैं, मतलब देख देख के चले आते, कोई लेते नहीं है, क्योंकि सर अच्छी गाड़ी नहीं है भाई। सीधी सी बात है, अगर अच्छी गाड़ियाँ नहीं होंगी तो कोई कस्टमर आएगा भाई, देख के चला जाएगा। अभी गजर बैनी की मेरे पास कॉल आ चुके, बैनी मेरे को तुरंत के तुरंत ही अपने गैरेज में बुला रहा है। बैनी बोल रहा है जल्द से जल्दी आ जाओ। तो गाइस जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे, मैं अपनी गाड़ी को भगाते सीधा अभी अपने शोरूम के बाहर पहुंच चुका हूँ। और इस वाली गाड़ी को जो है ना मैं यहीं पर लगा आता हूँ, क्योंकि भाई ये जो गाड़ी अपनी नहीं है, फालतू मैं अंदर की तरफ लेके जाऊंगा। बैनी भी भाई गुस्सा करेगा, ये बोलेगा भाई चोरी गाड़ियां लेकर आ रहे हो। तो भाई यहाँ पर अंदर की तरफ जैसे निकलते हैं, ओ भैया बैनी किधर की तरफ है? लो गाइस बैनी ये रहा अपने लगा पड़ा गाड़ी को मॉडिफाई करने के लिए। और भाई काफी ज्यादा सही सही गाड़ी आ चुकी है। और भाई आप लोग हमेशा नोटिस करते हो, कभी तो यहाँ पर लैम्बो खड़ी रहती है, कभी फरारी। तो भाई यहाँ पर जो ना गाड़ियां बिकती रहती हैं, आती रहती हैं। बैनी अपना आप ही मैनेज कर रहा है, जो कि भाई बहुत ज्यादा ही बढ़िया बात है। चलो यहाँ पर जो ना बैनी से बात कर लेते हैं जल्द से। तो ओके गाइस यहाँ पर मेरी बैनी से बात हो चुकी है। अब भाई बैनी तो ये बोल रहा है कि एक बंदा है जो कि तुमसे मिलना चाहता है अभी के अभी। अब भाई वो जो बंदा मेरे को तुरंत के तुरंत ही बुला रहा है, तो भाई मेरे को जल्द से जल्दी जाकर देखना पड़ेगा। बैनी ये बोल रहा है बिल्कुल भी देरी मत करो, वो जो ना हमसे गाड़ी की डील करना चाहता है। और गजर बैनी ये बता रहा है कि हमने अगर ये डील कर ली ना, तो भाई हमको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होने वाला। ओ आइसक्रीम वाले भैया, एक सेकेंड, भाई साहब आइसक्रीम वाला कौन है? बस तो ऐसे ले रखे है जैसे आइसक्रीम बिकता हो। चलो छोड़ो यार, यहाँ पर क्या ही मैं आइसक्रीम के पीछे पड़ गया। तो भाई यहाँ पर गाड़ी को जैसे भगाते हैं, तो गाइस जैसा कि आप लोग सामने की तरफ देख पर, मैं अपनी गाड़ी को भगाते बस सीधा अभी उसी बंदे वहां पहुंच चुका हूँ। और मेरे को जो यहाँ से अंदर की तरफ लेनी पड़ेगी, और यहाँ की जो सिक्योरिटी गार्ड है ये भी मैं मुझे लग रहा है जानते होंगे, तो इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी गजर इनसे बात कर लेता हूँ जल्द से, और मैं बताता हूँ कि तुम्हारे बॉस ने मेरे को बोला है, तो चलो गजर इससे बात कर लेते हैं। भाई अकड़ किस बात के लिए दिखा रहा है तू? पता नहीं गजर क्या ही यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को, ये बंदा मेरे से बोल रहा है कि आराम से चले जाना अंदर की तरफ, और ज्यादा इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। भाई 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 मतलब मन तो ऐसे कर रहा था कि दो चार रैप्टे वहीं पे बजा दूं भाई, लेकिन अपना घर नहीं है तो भाई यहाँ पर इज्जत से पेश आना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, यहाँ पर भाई साहब कितना आलिशान घर है भाई इसका, मजा ही आ गया। एक सेकंड, वो बंदा, लो भाई मेरे को वो बंदा दिख चुका है। और यहाँ पर ये कर क्या रहे हैं भाई? भाई साहब वैसे मजा आ गया इसका मेंशन देख के। तो पीछे की तरफ भाई गोल्ड में प्लेन, मतलब प्लेन बोला मैं, हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है। और वो रहा वो बंदा, पता नहीं क्या कर रहा है पर बैठा हुआ। गजर इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी है ना इसके पास, मतलब बैनी ने बताया था कि भाई ये बंदा कोई मामूली बंदा नहीं है, बहुत ज्यादा अमीर है। तो गजर यहाँ पर सब बात कर लेते हैं। भाई मुझे तो लग रहा है इस बंदे के पास अंधा पैसा है। गजर ये मेरे से बोल रहा है कि तुमको जितना पैसा चाहिए उतना ले लो, लेकिन गजर इसको जो है अभी के अभी एक गोल्ड विंटेज कार चाहिए, मतलब भाई साहब अभी के अभी। और गाइजर यहाँ पर मैंने सब बोल दिया कि भाई इतनी जल्दी गाड़ी के अंदर हम नहीं हो पाएगा, बैनी से बात करनी पड़ेगी। और भाई आप लोग उस गाड़ी का कलेक्शन देखो, ये आई थिंक लैम्बो है, और ये वाली भी लैम्बो है, और भाई साहब ये आई थिंक बेंटले है, और गाइजर ये आई थिंक रोल्स है। हाँ भाई आई थिंक क्या बोल रहा हूँ मैं, ये है ही रोल्स रॉयस। और भाई साहब गाड़ियों का कलेक्शन गाइजर इसके पास बहुत तगड़ा है। और भाई 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 मैं भाई अभी जो है ना बैनी के पास तुरंत कॉल करता हूँ, और मैं बताता हूँ कि इस बंदे को जो है गोल्ड की कार चाहिए। तो ओके गाइस यहाँ पर मेरी बैनी से बात हो चुकी है। अब भाई बैनी तो ये बोल रहा है कि यार वो जो ना एक बंदे को जानता है जो कि भाई ऐसी गाड़ियों को रखता है, मतलब विंटेज गाड़ियों को, और भाई साहब वो जो ना हमारे लिए इंतजाम करवा सकता है। और गजर इस बंदे को जो ना अपने पापा को गिफ्ट करनी है वो गाड़ी, मतलब गोल्ड विंटेज का, इसलिए ये जो बंदा है ये भाई खरीद रहा है हमसे, और इसको भाई हमारे बारे में सब कुछ पता है। ये बंदा मेरे से बोल रहा था कि तुम्हारा नाम माइकल है और तुम्हारे पास बहुत बड़ा शोरूम भी है। मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है गजर इस बंदे से मैं पहले मिल चुका हूँ? पता नहीं कुछ ऐसा लग रहा है, मेरे को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं भाई मुझे क्या लग रहा है मैं भूल भूल तो नहीं गया ना? चलो छोड़ो यार, अभी भाई मेरे को जो ना बैनी ने बता दिया वो लोकेशन जहाँ पर मेरे को तुरंत के तुरंत निकलना पड़ेगा।
ओ आराम से आराम से ये गाड़ी को उठाता हूँ। और भाई यार इसका जो मेंशन है इतना तगड़ा लग रहा है, बस क्या ही बताऊँ। मुझे लग रहा है यार अपने पास भी एक ऐसा मेंशन होना चाहिए था। मतलब भाई इसका मतलब ग्राउंड देखो यार, इतना ज्यादा बड़ा है ना, मजा ही आ जाता है। तो कोई नहीं यार, अपने पास जब पैसा आएगा तब गाइस ऐसे वैसे मेंशन कर देंगे। तो क्या जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, मैं अपनी गाड़ी को भगाते भगाते सीधा अभी बैनी की बताई जहाँ पहुँच चुका हूँ। अपनी जो गाड़ी है मतलब जीप सी है, इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। और भाई यहाँ पर आप लोग हालत देखो गाड़ियों की, ये गाड़ी तो आई थिंक मैंने अभी चलाई थी ना, ये तो ऐसी कुछ लग रही है। और ये सारी की सब जो गाड़ी है ना, ये गाइस पुरानी क्लासिक गाड़ी है। और बैनी यही बता रहा था कि वो जो गाड़ी है वो तुमको यहीं देखने को मिलेगी। अब पता नहीं भाई बैनी जो है ना कहाँ पर ये बोल रहा था, और यहाँ पर मैं किससे बात करूँ भाई, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वहाँ पर एक बंदा जो है ना एक पेपर ले खड़ा हुआ है, मुझे क्या लग रहा है वही यहाँ का हेडवेड है। तो बैनी ने मुझे लग रहा है ऑलरेडी बात कर ली होगी, तो मेरे को इतनी बात करने की जरूरत नहीं है। तब भी भाई एक बार कर लेते हैं। और ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं भाई? तो गाइस यहाँ पर मेरे इस बंदे से बात हो चुकी है। अब भाई ये बंदा बोल रहा है कि सामने तरफ जो गाड़ी खड़ी है वही बैनी ने मंगाई है, और इस गाड़ी की जो प्राइस है वो है गजर $5 मिलियन। गजर ये तो टैक्सी लग रही है भाई मेरे को। भाई पता नहीं $5 मिलियन किस बात के लिए ले रहा है। और भाई मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है, एक सेकंड में चेक करता हूँ। भाई मेरे पास 2 मिलियन के आसपास पैसे पड़े हैं यार, भाई 5 मिलियन तो है नहीं। और ये तो भाई पुरानी टैक्सी है, लेकिन ये जो है ना बहुत ही 100 साल से मतलब 150 साल पुरानी है, इसलिए भाई ये जो है ना इसके पैसे इतने मांग रहा है। भाई 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 पता नहीं भाई बैनी इस गाड़ी को कैसी विंटेज कार में कन्वर्ट करेगा। भाई से बात करता हूँ और बोलता हूँ भाई $5 मिलियन तो नहीं है, कोई सस्ता कर भाई। तो गाइस यहाँ पर मेरे इस बंदे से दोबारा से बात हो चुकी है। अब भाई मैंने उसको अपनी प्रॉब्लम बता दी कि भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है और तू जो है ना इतनी महंगी गाड़ियाँ बेच रहा है। तो ये जो बंदा है ये मेरे से बोल रहा है कि अगर तुमने मेरी छोटी सी हेल्प कर दी तो मैं जो है इस गाड़ी के आधे प्राइस कम कर दूंगा। और वो जो काम है वो ये है, मतलब इसकी बंदे की हेल्प करनी है। मतलब गजर यहाँ पर जो है ना कोई गैंग के बंदे हैं, इसके घर पर रोज आते हैं और गजर रोज इससे पैसा मांगते हैं। मतलब भाई 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 ये बंदे कौन ही है? ये बंदा मेरे से बोल रहा है कि अगर तुमने मेरी हेल्प कर दी उन बंदों को मारने में या भगाने में तो गज ये जो है ना हमको आधे प्राइस में ये गाड़ी दे देगा। और भाई मैंने इससे बोल दिया कि भाई तू जल्दी जल्दी बाहर तरफ निकल। तो भाई जल्दी से गाड़ी के अंदर आकर बैठ, इतना टाइम नहीं है अभी। भाई मैं जो है इसके घर पे निकल रहा हूँ। और ये जो है ना ये मेरे से बोल रहा था कि वो जो बंदे वो रोज आते हैं मतलब पैसा मांगने के लिए। और भाई सब ऐसा कौन ही बंदे हैं? तो भाई जल्द से निकलते हैं इस बंदे की हेल्प करने के लिए। और भाई मेरे को इसकी हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि यार अगर इसकी हेल्प कर दी तो भाई आधे प्राइस कम हो जाएंगे यार, सीधी सी बात है। हेल्प करने में कोई बुराई नहीं यार। तो चलो गाइस यहाँ पर जैसे गाड़ी को आते हैं सीधे निकलते हैं इसी बंदे घर के लिए। तो गाइस यहाँ पर जैसे कि आप लोग सामने की तरफ देख पा रहे, मैं अपनी गाड़ी को भगाते मैं सीधा अभी इसी बंदे घर पहुँचने वाला हूँ। और ये जो एक सोसाइटी सी है ना, मतलब यहाँ पर ही बंदे अच्छे खासे रहते हैं, पता नहीं वो कौन ही बंदे मतलब गैंग के लोग हैं जो भाई इसके घर पर आके गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। एक घर मुझे लग रहा है सेल हो रहा है, तो भाई मैं इस नंबर पर कॉल मिला कर पूछूं क्या। और ये घर यार इतना ज़्यादा छोटा, भाई माइकल के पास इतना तगड़े बगड़े घर है यार। तो भाई ये बोले इसके घर है, और इसके अंदर चल के देख लेते हैं। भाई आ जा तू भी पीछे की तरफ आ जा। भाई सब घर तो भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, बाहर से छोटा लग रहा था अंदर से तो भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ओ भाई मैं घर के घूम रहा हूँ यार। चलो भाई इससे बात बात कर लेते हैं और पूछ लेते हैं वो बंदे कब तक आने वाले। अभी ये बंदा कहाँ चला गया? एक सेकंड, अबे भाई पीछे की तरफ है क्या? तो गाइज वेट करते करते आधा घंटा हो चुका है। भाई ये बंदा बोल रहा है कि इसी टाइम आते हैं, पता नहीं कौन ही बंदा आ रहा। भाई मेरे को तो दूर दूर तक कोई बंदा दिखाई नहीं दे रहा। और एक सेकंड, एक बंदे की गाड़ी आई है, ये कौन है भाई? ये तो मुझे लग रहा कोई, ये भाई बलास गैंग तो नहीं है ना, मेरे को ऐसे कुछ लग रहा है। और पीछे की तरफ से भी गाइज एक गाड़ी आती हुई दिख रही है। ओ एक सेकंड, ये तो भाई बलास गैंग यार, ये मेरे से बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से पिट जाएगी। एक सेकंड रुको यार। तो भाई ये जो लोग हैं ये तो भाई बेसबॉल बैट लेके आ रहे हैं, इनकी ऐसी कम तैसी मारो। रुको 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 गाइस, ये जो ना ऐसे बिल्कुल भी नहीं मानने वाले। एक सेकंड रुक जाओ तुम, तो मैं बेटा नेता बनाता हूँ मैं, तुम बेसबॉल बैट लेके आओ क्या? लो भाई हॉकी स्टिक से मारूंगा, निकलो यहाँ से, तुम्हारी ऐसी की तैसी। अच्छा बेटा इतना बड़ा हो गया बेटा, चुन चुन के मारूंगा। अबे तू भी मार दे एक आदमी को। रुको रुको रुको, अबे तू भी निकल यहाँ से बेटा, खोपड़ी ना फाड़ कर रख दूंगा। अबे निकल यहाँ से। एक सेकंड, इन एक बंदा बच चुका है, सारे मर गए क्या? मरे नहीं है, इनकी तो ऐसी कम तैसी। बेटा तू तू मुंह क्या देख रहा है भाई खड़ा होकर? तू भी एक कद बजा ही देता भाई, सब गधों की तरह मुंह देख रहा है, निकल यहाँ से बेटा। बलास गए इतनी बुरी तरह से मारूंगा ना, परेशान हो जाओगे। तो चलो यहाँ पर जो है इनका तो भाई मैंने खेल खत्म कर दिया बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से। बेटा गुंडागर्दी दिखा रहे थे। अब भाई बात सुन मेरी, तू आधे प्राइस में गाड़ी देने वाला था, अब जल्द से जल्द दे दे। तो गाइस ये बंदा मेरे से बोले कि तुम जो है ना शोरूम के अंदर जाके गाड़ी ले सकते हो। और ये जो बंदा है मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं चलने वाला, क्योंकि गाइस यार यहाँ पर इतनी सारी बॉडी पड़ी, मतलब इतनी सारी बॉडी पड़ी है ना, तो भाई ये जो इनको ठिकाने लगाने वाला है। तो भाई मैं जल्द से निकलता हूँ इससे पहले कि भाई यहाँ पर कुछ देरी वेरी ना हो जाए।
क्योंकि भाई जितनी जल्दी हम काम करेंगे उतनी जल्दी बैनी जो है उस गाड़ी को मॉडिफाई कर पाएगा, उतनी जल्दी हमारे पास पैसा आएगा भाई, सीधी सी बात है। तो गाइस यहाँ पर जो है ना गाड़ी को भगाते मतलब पहुंच तो चुका हूँ आराम से आराम से आराम से आराम से। अबे भाई क्या टक्कर मारी मैंने गाड़ी से, आई थिंक निकल जाए क्या वो गाड़ी, निकल तो जानी चाहिए। तो भाई ये रही वो गाड़ी जो बैनी बता रहा था, भाई एक नंबर की कबाड़ गाड़ी लग रही है। पता नहीं बैनी, मुझे लग रहा है भाई मुझे बैनी ने सेकंड वाली थर्ड वाली तो नहीं कहा था ना भाई, थर्ड वाली गाड़ी भी मस्त लग रही है, यही चिपका दे क्या बैनी, क्या मॉडिफाई करेगा इस गाड़ी को, मेरे को उसको समझ नहीं आ रहा। तो कोई नहीं यार, बैनी बोल रहा है तो यार कुछ ना कुछ तो बात होगी, तभी भाई बुला रहा है। ओह आराम से आराम से। और भाई बैनी की मेरे पास कॉल आ चुकी है, भाई बैनी मेरे को तुरंत के तुरंत इस गाड़ी को लेके एरनवोर वर्कशॉप के अंदर बुला रहा है। वो बोल रहा है कि इस गाड़ी को वहां पर लेके मत आना, पता नहीं क्या सीन है, क्या पता भाई थोड़े बहुत जो पार्ट्स हैं वो एरनवोर वर्कशॉप में पड़े हुए हैं। और भाई थोड़े बहुत क्या गाइस यार, यहाँ पर एरनवोर वर्कशॉप में काफी ज्यादा पार्ट्स पड़े हुए हैं। और भाई मैंने काफी दिनों से एरनवोर कराई भी नहीं है, मतलब अपना जो बिजनेस है ना एरनवोर का वो गाइस एक तरह से ठप पड़ चुका है। तो गाइस यहाँ पर मैं इस टैक्सी को सीधा बैनी के पास लेके आ चुका हूँ, यहाँ से लेफ्ट की तरफ टर्न मारते हैं। और ये रहा बैनी, पता नहीं क्या करने में लगा हुआ है और यहाँ पर एक गाड़ी को मॉडिफाई कर रहा है, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। तो भाई यहाँ पर मैं इस गाड़ी को लगाता हूँ और बैनी वो खड़ा हुआ। ओ भाई भाई गाइस यार एक बार आप लोग इस गाड़ी को देखो, ओ भाई नीचे की तरफ तो भाई क्या लग रहा भाई, ये तो भाई साहब की एक तरीके से प्लेट से लग रखी है जिसमें गाइस यार कांटे लग रहे हैं, अगर थोड़ा सा पैर वैर फंस गया ना भाई मेरे पैर वैर अलग हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो ओके गाइस यहाँ पर मेरी बहनी से बात हो चुकी है। अब भाई बहनी तो ये बोल रहा है कि इस गाड़ी को मॉडिफाई होने में कम से कम 2 दिन का टाइम लगने वाला है, क्योंकि भाई इसके ऊपर ना गोल्ड पेंट भी होगा, इसका पूरा इंजन चेंज होगा और पता नहीं भाई बैनी इसके अंदर क्या क्या चीज करने वाला है। तो भाई अभी जो ना मेरे पास लेसर कॉल आई है और लेसर मेरे को तुरंत के तुरंत अपने बेस के अंदर बुला रहा है, पता नहीं क्या सीन है, एक बार चल के देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पर मैंने बैनी को बोल दिया कि जल्द से जल्दी कर दिया, इतना टाइम मत लगा क्योंकि गाइस अपने को जो ना पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो गाइस यहाँ पर एरनवोर वर्कशॉप से मैं बाहर की तरफ आ तो चुका हूँ। और एक सेकंड सर 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 आप कहाँ गाड़ी को ले जा रहे हो, मेरे को आपकी गाड़ी पसंद आ चुकी है। भाई साहब इसकी गाड़ी बहुत ज्यादा बढ़िया लग रही है। अबे बुड्ढे निकलने एक बार जब बोल दिया भाई, बैठा हुआ अंदर की तरफ पसर के बैठा हुआ और अंदर से कुछ उल्टा से जरूर बोले जा रहा है इंग्लिश में, भाई 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 मतलब भाई हद ही मचा रखी है। तो चलो कोई नहीं, यहाँ पर गाड़ी को भगाते सीधा भी लेसर के पास निकलते हैं। अबे इस ट्रक वाले को देखो भाई कैसे काट रहा है यार, यहाँ के ड्राइवर भाई मुझे क्या लग रहा है अंधे वंधे हो चुके हैं क्या, कहीं से भी कुछ भी काट रहे हैं और इंडिकेटर देने का तो कुछ काम ही नहीं है। और गाइस अगर मैं बोलूंगा तो फिर गाइस ये जो लोग है ना भाई चिड़बिड़ जाते हैं, ऊपर से लड़ने के लिए उड़ा जाते हैं। तो गाइस यहाँ पर तुम्हारा भाई दोबारा से गाड़ी को भगाते बाद सीधा पहुंचने वाला है अभी लेसर के पास। और लेसर ने मेरे को जो है ना एक्लिप्स टावर में बुलाया, पता नहीं भाई इसने खरीद वरीद लिया है कि, मेरे को ऐसे कुछ लग रहा है क्योंकि भाई लेसर के पास बहुत पैसा है और लेसर ने भाई मेरे से 500 मिलियन डॉलर लिए थे। अरे भाई मैं तो भूल ही गया हूँ इससे लेने भी है भाई। तो भाई ऊपर तरफ निकलते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं लिफ्ट से ऊपर की तरफ आ तो चुका हूँ और ये भाई 27th फ्लोर है, मतलब गाइस टॉप ऑफ द एक्लिप्स पे हम आ चुके हैं। अभी यहाँ पर निकलते हैं आगे की तरफ। पता नहीं लेसर ने इतनी ज्यादा ऊंची जगह पर क्यों ले लिया है, पागल पागल तो नहीं होगा भाई, अंधा पैसा आ रहा है तो भाई थोड़ा बहुत पैसा हमें ही दे दे यार, पता नहीं क्या से नहीं ये है किधर की तरफ। अबे लेसर भैया हो किधर की तरफ यार, ये गेट कहाँ खुल रहा है। अब भाई यार ये तो कपड़े चेंज करने का, कपड़े चेंज करने का बाथरूम, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अबे लेसर भैया किधर की तरफ हो, एक तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, विंडो ओपन है खुली है। लो भाई मैं बाहर तरफ आ चुका हूँ और यहाँ पर मेरे को लेसर का अता पता ही नहीं दिख रहा है। ओ भाई साहब लोग वो रहा लेसर, ओ भाई 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 क्या लिया है यार इसने, पूरा मुझे लग रहा है रेंट पे लिया है कैसे लिया है, लेकिन कुछ भी लिया है ना भाई, बहुत ही ज्यादा ऊंची जगह पर है, मतलब एक्लिप्स टावर गाइस सबसे ज्यादा ऊंचा टावर है मतलब बिल्डिंग के मामले में। और गाइस क्या ही मजा आ रहा है। तो गाइस यहाँ पर जो है लेसर से बात कर लेते हैं, भाई क्या देखने में लग रहा है भाई तेरे को, यहाँ पर चिड़िया दिख रही है क्या। तो ओके गाइस यहाँ पर मेरी लेसर से बात हो चुकी है और लेसर से इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो सकती है, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। गाइस यहाँ पर जो लेसर है ना वो गाइस कल मतलब किसी दुकान पर गया था मतलब कुछ सामान वामान खरीदने के लिए और गाइस घर का गेट खुला छोड़ गया और लेसर ने ये देखा सीसीटीवी से कि कुछ जो है ना FIB के बंदे आए थे लेसर घर के अंदर और भाई सारा का सारा जो डेटा वो लेके जा चुका है, साथ में लेसर का लैपटॉप भी चोरी हो चुका है, कुछ भी नहीं है A to Z सब कुछ गायब हो चुका है। लेसर ये बोला है कि ये 100% FIB वालों काम है तो मेरे को जाना है। और गाइस ये FIB वाले जो है ना अभी गाइस प्रेसिडेंट के बारे मतलब प्रेसिडेंट की सुन रहे हैं और लेसर ये बोल रहा है कि भाई मेरे को जो है प्रेसिडेंट को जैसे तैसे करके खत्म करना पड़ेगा। ये लेसर तो मुझे लग रहा पागल हो चुका है, पहले तो गाइस जल्द से नीचे की तरफ निकलते हैं। तो गाइस अभी जो लेसर वो ये बोल रहा है कि पहले तो हमको जो है व्हाइट हाउस के अंदर घुसना पड़ेगा। अब भाई व्हाइट हाउस के अंदर घुसने के लिए हमको जो है एक FIB की यूनिफॉर्म चाहिए होगी। तो गाइस लेसर ये बोल रहा है कि अभी गाइस उसने चेक करा है
एक पेट्रोल पंप में गजर दो एफआईबी वाले बंदे खड़े हुए हैं, तो मेरे को जाना है, उनका भूत बनाना है, उनकी गजर मेरे को जो जैसे तैसे करके आउटफिट चुरानी पड़ेगी, फिर गजर मेरे को व्हाइट हाउस के अंदर जाना पड़ेगा वो डेटा को डिलीट करने के लिए, या गजर प्रेसिडेंट को मारने के लिए। लेसन ये बोल रहा है कि तुमको ये काम जल्द से जल्दी करना है। अगर भाई जो प्रेसिडेंट है इसको पता चल गया कि गजर हमने मतलब इतनी सारी चोरियां करी हैं, तो ये जो है ना हमको मरवा भी सकता है बहुत ही अच्छी तरीके से। अब भाई भाई गजर आप लोगों को पता है जो प्रेसिडेंट है ना वो भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक बंदा है, वो कुछ भी कर सकता है भाई। कर्नल भी हमारी हेल्प नहीं कर पाएगा तब तो। तो गाइस यहाँ पर जो ना मैं अपनी गाड़ी को भगाते भगाते अभी उसी पेट्रोल पंप पर पहुँच चुका हूँ जहाँ पर कि मेरे को अभी लेसर बता रहा था। और यहाँ पर एफआईबी वाले बंदे कहाँ पर खड़े हुए हैं मेरे को बस ये चेक करना है। यहाँ पर तो कहीं पर भी नहीं है, एक सेकेंड, यहाँ पर तो भाई कहीं पर भी नहीं यार। तो कहते मेरे को कोई टेंशन की बात नहीं है कि भाई ये जो गाड़ी है मेरी नहीं है, अगर मैं पकड़े जाते ना गाड़ी वाड़ी तो भाई अपनी गाड़ी नहीं है किसी, भाई पता नहीं किसकी ही गाड़ी है। चलो छोड़ो, यहाँ पर अंदर की तरफ निकलते हैं। यहाँ पर भी एफआईबी वाले नहीं है, एक सेकंड, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब भाई मेरे पास है बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीका है, अगर भाई मैंने ये पेट्रोल पंप को उड़ा दिया ना, सीधी बात है यहाँ पर गजर एफआईबी वाले आएंगे क्योंकि गजर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और मैं वहाँ पर एफआईबी वाले की गजर ड्रेस इजीली ले सकता हूँ, बस यही चार है। तो भाई लेसर को कॉल करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। मैं यहाँ पर ये जो पेट्रोल पंप की कैन पड़ी है ना इसको उठाता हूँ, पहले तो इन बंदों को जल्द से भगाना पड़ेगा। एक सेकंड एक सेकंड, तुम्हारी ऐसी कम तैसे यहाँ पर चाय वाय पी रहे हो क्या? निकल निकल निकल, पहली फुर्सत में यहाँ पर चाय पिला दूँ तुमको मट्ठी या बर्फी के साथ। निकलो 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 जल्दी से यहाँ पर। भाई साहब बाहर खड़े हो क्या, चाय पी रहे हैं यहाँ पर? भाई मेरे को चाय पे हुए 3-4 दिन हो चुके हैं, ये आराम से पी जा रहे हैं। तो भाई यहाँ पर जो ना अब अपना खेल स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है। तो गाइस यहाँ पर जो ना मैंने जेरी कैन को पकड़ लिया है, तुम्हारी तो ऐसी कम तैसी मारो, यहाँ पर मेरे को भाई करना पड़ रहा है, अगर मैं नहीं करूँगा सीधी सी बात है तो भाई वो जो प्रेसिडेंट है ना वो गाइस यहाँ पर कुछ भी कर सकता है। तो भाई यहाँ पर जितना पेट्रोल पंप है ना इसको भाई मेरे को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। अबे आग लग जा, ओ भाई भाई दूर 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 भाई सब, मैं भाई सब गाइस यहाँ पर दूर हो जाता। ओ भाई लो वन ब्लास्ट हुआ है, अभी तो और भी ब्लास्ट होने वाले हैं, यहाँ पर छुप जाता हूँ जल्दी से। ओ तेरी भैंस की आग, लो गाइज़र यहाँ पर जो है 2-3 ब्लास्ट हो चुके हैं। तो गाइज़र जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर धुआं और भाई आग भी लग चुकी है, तो सीधी सी बात है पहले तो भाई मैं दूर हो जाता हूँ क्योंकि गाइज़र यहाँ पर जो है एम्बुलेंस आती होगी और यहाँ पर एफआईबी वाले भी जल्द से जल्द आते होंगे, मेरे को पक्का पता है आ रहे होंगे। तो भाई यहाँ पर छुपना पड़ेगा इससे पहले गाइज़र यहाँ पर कोई देख वेख ना ले। तो गाइज़र काफी ज्यादा देर हो चुकी है और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एम्बुलेंस आ चुकी है, और साथ के साथ गजर बहुत ज़्यादा पुलिस वाले भी आ चुके हैं और इन्होंने पूरा रोड को ब्लॉक कर दिया है। तो अगर मैं जाऊँगा तो सीधी सी बात है ये मेरे पे शक करेंगे, तो मेरे को जो है ना किसी अलग रास्ते से जाना पड़ेगा। मैं आई थिंक उधर से जा सकता हूँ क्या? मेरे को ऐसा कुछ लग रहा है भाई साहब, मेरे को जो है ना बस जैसे तैसे करके गजर एक मतलब आउटफिट चुरानी है, और आउटफिट चुराने के लिए मेरे को भाई पूरा पेट्रोल पंप को गजर ब्लास्ट करना पड़ा। वाह भाई वाह, अलग ही सीन है मेरे साथ भी। चलो कोई नहीं गजर यहाँ पर जैसे तैसे कर, ओ सीन सीन भाई इतनी सारी पुलिस यहाँ पर आई हुई है भाई, पुलिस के साथ साथ गजर स्वेट के बंदे भी आए हुए हैं। ओ भाई भाई यहाँ पर तो गजर आप लोग जैसे देख पा रहे नीचे की तरफ गजर एफआईबी वाले भी आ चुके हैं और पूरा पेट्रोल पंप में गजर धुआं धुआं हो रहा है। ओ यहाँ पर एम्बुलेंस वाले भी हैं। अब भाई यार यहाँ पर कैसे करूँ, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ओ एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पर एक बंदा है वो जो स्वेट के बंदे ना वो गजर आगे की तरफ खड़े हुए हैं, उनकी नज़र मेरे पर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर एक एफआईबी वाला बंदा फोन पे बात कर रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है, और बाकी आगे की तरफ है। तो मेरे को जो ना इस बंदे को, एक सेकंड बेटा तेरे को तो इतनी बुरी तरह से मारो, नहीं गन नहीं करनी करनी भाई, ऐसी गलती नहीं करनी। अगर गन यहाँ पर चला वाला दी ना तो मेरे साथ क्या होने वाला भाई मेरे को खुद पता नहीं है। लेट्स गो। अबे मैं गन क्यों निकाल लूं भाई बार बार। तो गाइस यहाँ पर जो ना मैंने एक खंजर निकाल लिया है, ओ निकल यहाँ से। 3-2-3 भैंस क्या, यहाँ पर मैंने ओ भाई इसकी बॉडी देखी तो नहीं ना किसी ने, मेरे को ऐसा कुछ लग रहा है जैसे इसकी बॉडी को उठाता हूँ और भाई मेरे को जो है ना साइड लगानी पड़ेगी जैसे तैसे करके। मैंने जो है ना इसकी बॉडी तो उठा लिया। ओ ओ भाई भाई आराम से आराम से आराम से। तो गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो मैंने गाइस इस बंदे की आउटफिट ले ली है और इसको जो है झाड़ियों में फेंक दिया है। अभी यहाँ पर जो है इन्हीं की गाड़ी लेते हैं, कोई शक वक ना करने लगे। आई थिंक गाइस कोई शक नहीं कर रहा, यहाँ पर ये एफआईबी वाले अपने लगे पड़े हैं। मैं पीछे की तरफ से निकल जाता हूँ चुपके से। लेट्स गो, तुम्हारे भाई ने गाइस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सीन कर दिया है। ओ भाई 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 यहाँ पर अपने पास एफआईबी की गाड़ी भी आ चुकी है और गाइस आउटफिट भी आ चुकी है। तो भाई अभी सीधे लेसर के पास निकलते हैं क्योंकि भाई इस गाड़ी के अंदर जो है जीपीएस ट्रैकर भी लगा हो सकता है, और लेसर के मेरे पास मैसेज भी आ चुका है, लेसर बोले जल्द से जल्द आ जाओ। तो गाइस यहाँ पर जो गाड़ी को भगाते हैं सीधा निकलते हैं लेसर के पास। तो चलो गाइस आई थिंक आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, वीडियो को अच्छा लगा अच्छा लगा कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ उसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ गाइस मेरे से बात करने के लिए आप लोग मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, डिस्कॉर्ड सर्वर पर हमेशा ऑनलाइन रहता हूँ। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I
I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down.